जैसे मैंने वादा किया आपसे अभी, अगर अगर आप जिताएंगे नंदू भाई को और बीआरएस पार्टी को 3 तारीख के दिन, मैं गोशा महल को अपनाऊंगा, यहाँ गोद लूंगा और मैं हर चीज करूंगा जो मैंने एक एमएलए आपसे करेंगे। तो मैं ओल्ड सिटी जाओ, ओल्ड सिटी को गोद में लो, आप गोद लेके उस पर डेवलपमेंट करो, जा सकते हो, तुम्हारे में हिम्मत है। नहीं है, ये गोशा महल की जनता जानती है आप झूठे वादे जो करके गए। मुनगोड़ो भी आप गोद लिए, कुछ भी नहीं करे, उसके बाद दुबाका भी लिए गोद, उसमें भी कुछ भी नहीं करे, अब आ गए गोशा महल को। गोशा महल की जनता बहुत होशियार है, यहाँ व्यापारी लोग रहते हैं, यहाँ के लोग 100% भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुके हैं और ये जोकर को नहीं जिताएंगे, ऐसा हमारी सोच है। मैं सभी मेरे गोशा महल की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये झूठे बातों में, झूठे वादों में मत आओ। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम। सभी मेरे भाइयों को मैं आपका लड्डू यादव, ये वीडियो हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे केटीआर साहब परसों बेगम बाजार छतरी पे आए थे। केटीआर साहब आए थे नहीं, वो एमआईएम दारुसलाम से भेजा गया था, जाओ वहां पर, जहां पर ये आए थे बेगम बाजार छतरी पे, आज तक वहां पे कुछ भी प्रोग्राम हुआ, कुछ भी कार्यक्रम हुआ, तो वहां पे राम भक्त होते थे या तो फिर देशभक्त होते थे, हर बार हर साल कुछ भी कार्यक्रम होता। तो मगर परसों कुछ और लोगों को देखने को मिला, ये तो हमारी गोशा महल की जनता जानती है। मैं केटीआर साहब से सवाल कर रहा हूँ, केटीआर साहब आप गोद लेते हो बोल रहे हैं हमारे गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, गोद लेने का मतलब क्या है? क्या गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या नालिया नहीं है, क्या रोडा नहीं है, क्या लाइटा नहीं है, क्या नहीं है? केटीआर साहब आप गोद लेने का मतलब क्या है? डेवलपमेंट करता हूँ बोल रहे हैं, तुम्हारे में दम है, हिम्मत है, तो तुम इसको नहीं ठहरा के जोकर को, नंदू बिलाल को, तुम खुद खड़े होना था, तुम खुद इलेक्शन लड़ना था। इन्हों एमएलए रहता कहते, उन्हों काम करते कहते, ये कौन सी भाषा कर रहे केटीआर साहब? बेगम बाजार से सबसे ज्यादा टैक्स जाता तेलंगाना गवर्नमेंट को, आज हमारे गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप क्या काम करे, क्या डेवलपमेंट करे? आप दोहरापना क्यों कर रहे, अलग नजर से क्यों देख रहे, सोनताला व्यवहार क्यों कर रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से? बीजेपी का एमएलए है बोल के तेलंगाना में जितने भी जमीन है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपका कर्तव्य है, आपको एक मुख्यमंत्री केसीआर साहब को बनाए तो केसीआर साहब सबको एक तरह एक नजर से देखना चाहिए। क्या करे केटीआर साहब, आप क्या करना चाह रहे हैं बताओ, आप डेवलपमेंट क्या करेंगे? क्या रोडा नहीं है हमारे गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी को? क्या नहीं है? सब चीज है, मगर हमें को पता है आपको किसी और जो एमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी है, उनको प्रेशर है राजा सिंह को हराना, बस यही है। कई लोग आके काम कर रहे हैं और कई बाहर से लोग आके, मेरे को ये भी पता चला कि आपसे मिले कि राजा सिंह को 100% आपके हराना हराना बोल के पूरी जमाता घूम रही इधर। मगर मैं कहना चाहता हूँ, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम एमआईएम पार्टी के खिलाफ है। आप एमआईएम के गोद में बैठ के पूरा तेलंगाना का सर्वनाश कर रहे, आप ओल्ड सिटी जाओ, ओल्ड सिटी को गोद में लो, आप गोद लेके उस पर डेवलपमेंट करो, जा सकते हो, तुम्हारे में हिम्मत है। नहीं है, ये गोशा महल की जनता जानती है आप झूठे वादे जो करके गए। मुनगोड़ो भी आप गोद लिए, कुछ भी नहीं करे, उसके बाद दुबाका भी लिए गोद, उसमें भी कुछ भी नहीं करे, अब आ गए गोशा महल को। गोशा महल की जनता बहुत होशियार है, यहाँ व्यापारी लोग रहते हैं, यहाँ के लोग 100% भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुके हैं और ये जोकर को नहीं जिताएंगे, ऐसा हमारी सोच है। मैं सभी मेरे गोशा महल की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये झूठे बातों में, झूठे वादों में मत आओ, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताओ। हमारा भाई राजा सिंह जी खड़ा हुआ है, वो आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा और धर्म के लिए लड़ता रहेगा और गोशा महल की जनता के लिए डेवलपमेंट का काम करता रहेगा। और नहीं भी करा अगर हमारा भाई, तो हम लड़के करा सकते। अगर दूसरा व्यक्ति जीतता है नंदू बिलाल, तो आप सबको कुछ भी काम कराना तो बंजारा हिल्स उसके घर पे जाना पड़ेगा, 1000 रुपए खर्च करके पहले तो उससे मिलना पड़ेगा, आपका काम हो या मत हो। ऐसा इसकी सोच गंदी सोच है, खराब नीयत का आदमी आया सो है। तो आप भी सोचिए, सोच के वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए, हमारे राजा भाई को विजय बनाइए।
जय श्री राम, भारत माता की जय।